जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों मेरे हाथ में नार्जो 20 प्रो डिवाइस और नार्जो 20 प्रो रियलमी 7 में एक ही अपडेट आया है, सेम टू सेम C.03 वाला रियलमी 2.0 का। और यहाँ पे दोस्तों क्या कुछ खास फीचर प्रोवाइड किया गया है मैं बताऊँगा, और साथ ही साथ यहाँ पर हम एंटीट्यू बेंचमार्क स्कोर और बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट भी इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम अपडेट में दोस्तों जो गूगल वॉइस असिस्टेंट है उसका जो वेकअप रेट है उसे यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया गया है। यहाँ पे आप जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ये जो है ओपन होगा गूगल वॉइस असिस्टेंट इस अपडेट के बाद। यहाँ पे दोस्तों इस परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी ये हम देख लेंगे एंटीटू बेंचमार्क स्कोर और बैटरी ड्रेनिंग का टेस्ट करके यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़। और यहाँ पर सिस्टम अपडेट होने के बाद जो है फ़ोन साइलेंट मोड पे चला जाता था, अभी इस बग्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पे आपको साउंड डिले देखने को मिलता था वीडियो सेक्शन में, अब यहाँ पे जो है आपको क्यूरेट साउंड वीडियो के साथ सुनाई देगा इस अपडेट के बाद। कैमरा सेक्शन में काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पे मिल जाता है। मोस्टली ये जो है अपडेट बग्स को फिक्स करने के लिए ही दिया गया है। रेयर कैमरा और फ्रंट कैमरा के जो स्विचिंग स्पीड है उसे यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया गया है। और यहाँ पे ब्यूटी मोड पोर्ट्रेट मोड में इम्प्लीमेंट किया गया है कुछ। और रियर कैमरे से अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पे कुछ नॉइज़ देखने को मिलती थी, इस बग्स को यहाँ पे फिक्स किया गया है। साथ ही साथ कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स थी जिसमें कॉलिंग के समय जो वीडियो है क्लियर नहीं दिखता था, ब्लैक स्क्रीन का कुछ इशू आता था, उस बग्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंटिन्यू शूटिंग कर रहे हो तो रोटेटिंग फ़ोन में अगर इस मोड को आप यूज़ कर रहे हो तो ये जो मोड है यहाँ पे क्रैश हो जाता था, इस बग्स को यहाँ पे अभी फिक्स कर दिया गया है। चलिए फटाफट से कैमरा सेक्शन में जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जो फ्रंट और रियर कैमरा की जो स्विचिंग स्पीड है ऑप्टिमाइज़ की गई है काफ़ी तेज़ी से, यहाँ पे अब ये स्विच हो रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ भी ले लेता हूँ फ़ोटो के नॉर्मल मोड से और पोर्ट्रेट मोड से, उसे भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इससे पहले आप देख सकते हो ब्यूटिफिकेशन जो मोड है उसे भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। तो फटाफट से दोस्तों एक नॉर्मल फ़ोटो और एक पोर्ट्रेट फ़ोटो मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। C.03 अपडेट के बाद जो है कैमरे को यहाँ पे कुछ बग्स को फिक्स करने के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया है। तो आप देख सकते हो फ़ोटो की क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया है और ये नॉर्मल मोड और पोर्ट्रेट मोड में। इसके अलावा दोस्तों आफ्टर रियलमी 2.0 अपडेट यहाँ पे आपको गूगल लेंस का ऑप्शन भी अब फोटो सेक्शन में मिल जाता है, जिससे आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो गूगल लेंस को, अलग से इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सारे ऑप्शंस आपको वैसे ही मिलते हैं जैसे रियलमी 1.0 में आपको मिलते थे। इसके अलावा दोस्तों रिचार्ज सेक्शन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो रिचार्ज एल्गोरिथम है उसे यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया गया है। रिचार्ज स्पीड यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड है वो यहाँ पे साइज से ऑप्टिमाइज़ हुई है, तो चार्जिंग टेस्ट भी मैं ज़रूर से आपको लेके आऊँगा इस अपडेट के बाद। और यहाँ पे जो डिस्प्ले इशू था, अब नॉर्मली डिस्प्ले इशू अगर आप शट डाउन स्टेट पे करते हो तो चार्जिंग आइकॉन में यहाँ पे कुछ डिस्प्ले इशू था, इस बग्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अपडेट के बाद दोस्तों गूगल डायलर और गूगल का जो मैसेजिंग ऐप का आपको एज इट इज़ ही मिलता है। रियलमी डायलर अभी भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, कुछ इशूज़ थे इस डायलर से। अगर मुझे कोई ट्रिक मिलती है तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा कि इसमें रियलमी डायलर अब आप कैसे यूज़ कर सकते हो फिलहाल दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो गेम स्पेस का वर्जन है आप देख सकते हो 4.1.31 है, और यहाँ पे अगर आपको इससे भी लेटेस्ट वर्जन होना तो चैनल पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, डाउनलोड वहाँ पे कर सकते हो वहाँ से जाके। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन आपको गेम स्पेस में अब देखने को मिलेगा आफ्टर रियलमी 2.0 अपडेट। सारी कुछ जानकारी मैं पबजी गेमिंग करते समय आपको दे दूंगा। फ़ोन मैनेजर ऐप में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एंटीवायरस ऐप और अभी तक क्लीनर ऐप नहीं है, बट अगर आप रियलमी 2.0 में आ गए हो तो चैनल पे या एंड स्क्रीन पे आपको एपीके मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। थीम स्टोर का वर्ज़न भी यहाँ पे 7.3 वाला ही है। अगर आप 8.0 वाला वर्ज़न यूज़ करना चाहते हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मैगजीन वगैरह प्रोवाइड की गई है तो वो भी आपको चैनल पे एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। एक्चुअली दोस्तों एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देख लेते हैं। यहाँ पर जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है 3 लाख के पास में है और ये रियलमी UI 1.0 का एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है। चलिए देखते हैं 2.0 में एंटीटू बेंचमार्क स्कोर क्या आता है।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो रियलमी 2.0 में जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर निकल के आया 295,000 के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख ही है। और यहाँ पे अभी स्टेबल अपडेट ये नहीं है, स्टेबल अपडेट आने तक यहाँ पे हो सकता है कि एंटीटू बेंचमार्क स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाए। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं आफ्टर रियलमी 2.0 अपडेट बैटरी ड्रेनिंग का क्या हाल है, बैटरी ड्रेनिंग यहाँ पे कितना होता है। तो पहले परसेंटेज में आपको दिखा देता हूँ, 40% है और बैटरी हमारी, और यहाँ पे टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। ब्राइटनेस यहाँ पे मैंने फुल कर रखी है और इसी में हम यहाँ पे पबजी गेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पबजी का ये केयर वर्जन है, यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट मैं कर देता हूँ। ग्राफिक सेटिंग यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्मूथ और अल्ट्रा में हम यहाँ पे खेलने वाले हैं, एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं है। स्मूथ और अल्ट्रा में हम यहाँ पे अभी इस सेटिंग में पबजी गेमिंग करेंगे और देखते हैं कि आधा घंटा पबजी गेमिंग करने के बाद बैटरी ड्रेनिंग कितना होता है। इससे पहले दोस्तों गेम स्पेस के बारे में भी बता दूँ, रियलमी 2.0 में गेम स्पेस में यहाँ पे फोकस मोड को इंट्रोड्यूस कराया गया है। ब्लड नोटिफिकेशन वगैरह पहले ही थे, फोकस मोड में आप ज़्यादा गेम को अच्छे से फोकस कर सकते हो और ये सारी जो आपको ऐप्स है ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाती है अगर आप इस मोड को ऑन करते हो। तो आधा घंटा मींस 30 मिनट की पबजी गेमिंग यहाँ पे हो गई है, टाइमर मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 40% था पहले, यहाँ पे आप देख सकते हो 28 हो चुका है, मींस 12% बैटरी ड्रेनिंग हुई है। आधा घंटा पबजी गेमिंग करते हो आप तो 34 से 40 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, मींस 6% जो है इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर। और आधा घंटा पबजी गेमिंग करने पर 12% बैटरी ड्रेनिंग हुई है, जो कि यहाँ पर ठीक ठाक ही है। 5 mAh की बैटरी मिल जाती है, 65W की फास्ट चार्जिंग नार्जो 20 प्रो में आपको मिलती है। तो ये था दोस्तों C.03 अपडेट के बाद एक फुल रिव्यू वीडियो रियलमी 2.0 का। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए, वंदे मातरम।